मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने केजरीवाल को शिकारी बताकर दिल्ली वासियों से सावधान रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में वार्ड नंबर 56 के शालीमार बाग और वार्ड नंबर 54 के रोहिणी डी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शिवराज ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे पहले तो केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को ही नहीं छोड़ा, उन्हें ही धोखा दे दिया। अरविंद केजरीवाल अपने गुरु को ही खा गए, बच्चों की झूठी कसम खा गए, कुमार विश्वास जैसे मित्रों को भी धोखा दे गए। केजरीवाल दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। सीएम ने कहा एमसीडी में भाजपा की वापसी के साथ ही दिल्ली में फैक्ट्री लाइसेंस बंद किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि भाजपा सरकार में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है, एमसीडी में भाजपा ने अनेकों विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर देश के खिलाफ नारेबाजी में हिस्सा लेते हैं। केजरीवाल फ्री की बात करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव में जनता को केजरीवाल के झूठे वादों का जवाब देना होगा। वो कहते हैं सत्येंद्र जैन को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, सिसोदिया जी के बारे में वो कहते हैं हाँ रत्न तो दिया जाना चाहिए लेकिन भारत रत्न नहीं। इनने दिल्ली की जो हालत की है, जो बदनामी की है, तो केजरीवाल जी को धोखा रत्न पुरस्कार देना चाहिए। सीएम शिवराज ने कहा कि केजरीवाल तो करप्शन वाल और करप्शन किंग हो गए हैं। उनका एक मंत्री जेल में मसाज करा रहा है, एक मंत्री मसाज करा कर जेल जाने की तैयारी कर रहा है। शिवराज ने कहा कि केजरीवाल को धोखा रत्न दिया जाना चाहिए और मनीष सिसोदिया को शराब रत्न, क्योंकि दिल्ली में कुछ मिले या ना मिले लेकिन शराब जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन को घोटाला और मसाज रत्न और अमानतुल्ला खान को करप्शन रत्न मिलना चाहिए। एक विधायक है ताहिर हुसैन जो है दंगा रत्न। दुनिया का एक बड़ा ठग सुकेश कह रहा है हम तो ठग हैं, ये केजरीवाल तो महाठग है। सिसोदिया जी को शराब रत्न और कुछ मिले ना मिले शराब जरूर मिलेगी, और सत्येंद्र जैन को घोटाला और मसाज रत्न। इनके पति है हमापुल्ला हमांत रत्न और एक विधायक है ताहिर हुसैन को है गंगा रतन। ये काम भारत रत्न की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ठग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा तो सुकेश नाम है, मैं तो जानता नहीं, मैंने तो पढ़ा ही है। वो कह रहा है हम तो ठगे हैं लेकिन ये केजरीवाल जी तो महाठग है, पूरी दिल्ली को ठगने वाले। वहीं शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की जमकर तारीफ की। शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली गौरवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। 2014 के पहले हमें पिद्दी पिद्दी से देश डराने का प्रयास करते थे, लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। कोरोना काल के समय की परिस्थितियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला और कोविड रोधी वैक्सीन से लेकर इलाज एवं राशन तक की व्यवस्था की। आज भारत तेज गति से विकास कर रहा है। दिल्ली नगर निगम में भाजपा ने जनता की सुविधाओं के अनुसार कार्य किए हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा के प्रत्याशियों को एमसीडी चुनाव में भारी बहुमत से जिताएं और दिल्ली नगर निगम में विकास की रफ्तार को गति दें। शिवराज ने कहा मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी जानते हैं केजरीवाल जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल को करप्शन बाल बन गया, ये भ्रष्टाचार की दीवार हो गया, करप्शन किंग हो गए, ऐसा भ्रष्टाचार कहीं सुना? वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।